क्या मिशनरियों के निशाने पर है बागेश्वर धाम? धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का क्यों लग रहा आरोप? अंधविश्वास फैलाने वाले मिशनरियों के खिलाफ क्यों है मीडिया मौन? फिर धीरेंद्र शास्त्री से ही क्यों है आपत्ति? बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक आचार्य धीरेंद्र शास्त्री अचानक से कुछ लोगों के निशाने पर आ गए। महाराष्ट्र की एक संस्था ने धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। आज जियादी वामपंथी तथा कथित पत्रकार सभी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पीछे पड़ गए हैं और जिस तरह से एक सनातनी के खिलाफ मीडिया द्वारा तू तड़ाक जैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है वो इन बुद्धिजीवियों की मनसा पर सवाल खड़ा करता है। खैर, बागेश्वर धाम पर षड्यंत्र की साजिश होना तो उसी दिन तय हो गया था जब धीरेंद्र शास्त्री ने धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोला था। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन मध्य प्रदेश के दमोह में बागेश्वर धाम सरकार में 300 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर एक बार फिर से हिंदू धर्म अपना लिया था। तभी से आशंका जाहिर की जा रही थी कि बागेश्वर धाम जल्द ही किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। ये बात खुद धीरेंद्र शास्त्री ने कही है, ये सुनिए। ये तो अभी टेलर है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी है और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, टिक जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। अब बात करते हैं उस मीडिया की जो लगातार बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले उस मीडिया के एंकरों को थैंक यू जीसस वाला ये वीडियो देखना चाहिए। सामर्थ्य की पहाड़ आपके बीच में मौजूद है। आपने वीडियो देखा लेकिन अंधविश्वास तो धीरेंद्र शास्त्री फैला रहे हैं, ये लोग तो इलाज कर रहे हैं, इस पर हमारा मीडिया कुछ नहीं बोलेगा। चलो एक और वीडियो देखिए। निकल इसकी जिंदगी से, तुझे पूरा डिस्कनेक्ट कर देंगे। गो शट शट फ्री मरने वक्त चीज फ्री। मदारी की तरह माइक हाथ में लेकर इलाज करने वाले इस ढोंगी पर हमारा मीडिया मौन है, लेकिन अंधविश्वास फैलाने का आरोप है धीरेंद्र शास्त्री पर। सनातनी का मजाक उड़ाते हुए उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाने वाले बुद्धिजीवियों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बच्चों वाली बंदूक से भूत भगाने वाले महाराज पर मीडिया मौन है, लेकिन अंधविश्वास तो धीरेंद्र शास्त्री फैला रहे। मिशनरियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का नतीजा ही है कि आज हर कोई सनातनी धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साध रहा है। वैसे क्या आपने सोचा है कि आखिर महाराष्ट्र से ही क्यों धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का आरोप सबसे पहले उठा है? इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जैसा कि धीरेंद्र शास्त्री ने मिशनरियों द्वारा ईसाई बनाए गए लोगों को घर वापसी कराकर हिंदू धर्म में लाने का काम कर रहे हैं, उस बात का सबसे बड़ा दर्द महाराष्ट्र में इसलिए दिख रहा है क्योंकि जानकारों की माने तो देश में मिशनरियों का मॉनिटरिंग अड्डा महाराष्ट्र से ही संचालित होता है। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में जबरन धर्म परिवर्तन का रेड कार्ड भी सामने आया था, वही रेड कार्ड जहां यह बताया जाता है कि हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के 5 लाख, सिख धर्म की लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के इतने लाख, और इस तरह का रेड कार्ड सामने आया था जो इस बात का संकेत है कि यहाँ पर हालात कितने बद से बदतर है। अब तक आप समझ गए होंगे कि धर्म परिवर्तन का ये खेल किस तरह से खेला जा रहा है और किस स्तर तक खेला जा रहा है। हमारे अगले वीडियो में इस खेल की जानकारी विस्तार से देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।